हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्लूमेरिया, चंपा या फ्रांगीपानी काफ़ी नामों से ये प्लांट जाना जाता है। इसको आप कटिंग से इजीली प्रोपोगेट कैसे कर सकते हैं, आप इसकी कटिंग्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये जो मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ, ये 2 महीने का रिज़ल्ट है। इन कटिंग को लगाए हुए मुझे आज पूरे 2 महीने हो गए हैं और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सारी कटिंग्स मेरी सक्सेसफुली प्रोपोगेट हो गई हैं। सब पे काफ़ी सारी बर्ड्स हैं, फ्लावर्स ब्लूम हो रहे हैं और लीव्स भी आनी शुरू हो गई हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्लूमेरिया कटिंग आप ग्रो करना जा रहे हैं तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट पे जल्दी फ्लावरिंग हो, जल्दी बर्ड्स आएँ, तो आपको प्लूमेरिया की जो टॉप ब्रांच होती है, जो मतलब प्रून नहीं होती आगे से, जिसके आगे से लीव्स निकल रही होती, जैसे आप देख सकते हैं कुछ ब्रांचेस मेरी कट हैं आगे से और कुछ ब्रांचेस मेरे आगे से पूरी हैं, जो आगे से आपको लीव्स दिख रही होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट पे भी जल्दी से फ्लावरिंग हो, जल्दी से बर्ड्स आएँ, तो आपको प्रीफर करना है कि आप ऐसी कटिंग्स लें जो आगे से कट नहीं हों, आगे से वो पूरी हों, तो वो कटिंग्स मैच्योर रहती हैं और उसमें आपको जल्दी से जल्दी फ्लावरिंग देखने को मिल जाएगी। और अगर आप उस कटिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाली पे जल्दी फ्लावरिंग होगी, नीचे वाली काफ़ी टाइम ले लेगी, क्योंकि जब उस पर न्यू शूट्स आएंगे पहले वो अपनी ब्रांच को मैच्योर करने में टाइम लगाएगी, फिर आपको फ्लावरिंग करेगी। देख सकते हैं मैंने अभी ये फ्रेश कटिंग्स ली हैं और सबकी लीव्स हटा दी हैं और मैंने सबके नीचे फंजीसाइड लगा दिया है ताकि कोई भी फंगस रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर गलती से भी कटिंग प्रोपोगेट करते टाइम ज़्यादा पानी हो जाएगा या ज़्यादा मॉइस्चर मिल जाएगा तो कटिंग बहुत आसानी से और जल्दी से रॉट हो जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले कटिंग ले लेनी है, उन पे फंजीसाइड लगा लेना है। आपके पास फंजीसाइड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिनेमन पाउडर या फिर हल्दी भी लगा सकते हैं। और उसके बाद आप जब ये सब कर लें, आपको अपनी कटिंग्स को 5 दिन या फिर कम से कम 3 दिन ड्राई कर लेना है। मैंने अपनी कटिंग्स को 5 से 4 दिन ड्राई किया था और उसके बाद मैंने इनको पॉट किया था। आज ये जो थोड़ी बहुत लीव्स देख रहे हैं, मैंने इनको भी बाद में रिमूव कर दिया था। ये जो आप शुरुआत की 2 कटिंग्स देख रहे हैं, ये अलग कलर की, अलग प्लांट की कटिंग्स हैं, इसमें अलग कलर का फ्लावर आएगा। और बाकी जो ये 5 कटिंग हैं, ये अलग कटिंग हैं, इनमें अलग कलर का फ्लावर आएगा। आप देख सकते हैं लास्ट वाली में से 2 कटिंग ऐसी हैं जो आगे से हाफ में कट हैं, तो इसको आप देख के समझ जाइए कि अगर आपकी कटिंग कुछ इस तरीके की होगी जैसे कि मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, तो आपको इस कटिंग पे जल्दी फ्लावरिंग मिलेगी, वो ये क्योंकि ये मैच्योर ब्रांच है। और वहीं अगर आप इस तरीके की ब्रांच लेंगे जो आगे से कट है, तो इसमें आपको इस तरीके की ब्रांच लेंगे जो आगे से कट है तो इसमें आपको लेट फ्लावरिंग मिलेगी, क्योंकि ये पहले अपनी जो न्यू ब्रांच आएगी उसको मैच्योर करने में टाइम लगाएगा। तो चलिए अब चलते हैं, हम लोग इसका सॉइल मिक्सचर देख लेते हैं, हम लोग को प्रोपोगेट करने के लिए क्या सॉइल बनानी है। प्लूमेरिया को कटिंग से ग्रो करने के लिए आपको बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सैंड और गार्डन सॉइल का मिक्सचर बना लिया है थोड़े से कॉम्पोस्ट के साथ। अब मैंने अपनी सारी कटिंग्स इसमें अच्छे से लगा दी हैं और अब मैं इनको थोड़ा सा पानी डालूँगा। पानी डालने के बाद आपको इनको कम से कम 3 से 4 दिन शेडी एरिया में ही रखना है, जहाँ पे इनको थोड़ी बिल्कुल कम या फिर धूप बहुत ज़रा सी मिले। उसके बाद आपको धीरे से इनको सन में शिफ्ट कर देना है, वो भी धीरे धीरे। ये जो आप रिज़ल्ट देख रहे हैं, ये 1 हफ्ते बाद का रिज़ल्ट है। आप देख सकते हैं कटिंग्स में धीरे धीरे लीव्स ओपन होना शुरू हो गई हैं। पहले ये सब लीव्स बिल्कुल बंद थी, अब ये धीरे धीरे देखिए ओपन होना शुरू हो गई हैं। लेकिन ये जो लीव्स हैं ये न्यू लीव्स नहीं हैं, ये इस ब्रांच पे पहले से थी, तो ये हो सकता है थोड़ी दिनों बाद जब ये थोड़ी बड़ी हो जाएं तो ये मुरझा के गिर जाएं, क्योंकि जो अब ओरिजिनल लीव्स आएंगी वो ग्रो करना स्टार्ट करेंगी। ये तो वो लीव्स हैं जो ब्रांच पे पहले से थी, इसको ब्रांच को न्यूट्रिशन मिलना चालू हो गया है, रूट्स बननी चालू हो गई हैं, इसलिए ये लीव्स ओपन होना शुरू हो गई हैं। ये जो आप बर्ड्स देख रहे हैं, ये धीरे धीरे देखिए आप अब ग्रो होनी शुरू हो गई हैं। ये पहले हमारे कटिंग्स पे नहीं थी, मगर अब हर कटिंग में मैं बर्ड्स देख सकता हूँ। ये जो आप मेरे प्लांट्स देख रहे हैं, इनको भी मैंने पिछले साल कटिंग से ग्रो किया था और इन पे भी फ्लावरिंग होना शुरू हो गई क्योंकि सीज़न आ रहा है। ये जो मैं आपको क्लिप्स दिखा रहा हूँ, ये 1-1, 2-2 हफ्ते बाद की क्लिप्स हैं, सब मैंने साथ में नहीं बनाई थी,
तो छोटी छोटी क्लिप्स हैं, आपको देख के पता चल जाएगा। आप देख सकते हैं कि क्या प्रोग्रेस हो रहा है मेरी कटिंग्स में धीरे धीरे। साथ ही साथ मैं आपको अपना मैच्योर वाला प्लांट भी दिखाता चलूं जो मैंने पिछले साल कटिंग से ग्रो किया था। इसमें आप देख सकते हैं सीज़न है तो इसमें भी बर्ड्स आनी शुरू हो गई हैं, और पता नहीं क्यों इसकी एक दो बर्ड्स रात में गिर गई। देख सकते हैं इस पर फ्लावरिंग होनी धीरे धीरे शुरू हो गई है। काफ़ी दिनों से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब इसका फ्लावर ब्लूम होगा। देख सकते हैं धीरे धीरे हमारी कटिंग्स कितनी अच्छी होती जा रही हैं। मैंने जो फर्स्ट दो कटिंग्स लगाई थी वो इस कलर के फ्लावर्स की कटिंग लगाई हैं, और जो लास्ट पांच कटिंग थी वो येलो और वाइट फ्लावर मिक्स था उसमें। अब ये जो क्लिप्स आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे एक एक हफ्ते बाद की क्लिप्स हैं। प्लूमेरिया प्लांट अभी मेरा फुली मैच्योर नहीं हुआ है, इसलिए इसको फ्लावर्स ब्लूम करने में काफ़ी दिन लग गए। ये क्लिप बारिश के बाद की है, जब मेरे प्लांट्स बिल्कुल बारिश में नहा के बिल्कुल ग्रीन हो गए थे, ये तब किए हैं। और आप देख सकते हैं अब वीडियो बनाते बनाते मुझे एक डेढ़ महीना हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरा जो मैच्योर वाला प्लांट था उस पर मल्टीपल ब्रांचिंग आनी शुरू हो गई है। अगर आपने देखा हो तो उसमें तीन ब्रांच नई नई आ रही थी, और ये जो मेरा सेकेंड वाला प्लांट है इस पर भी आप देख रहे हैं बर्ड्स फॉर्म हो रही हैं। ये भी मैंने पिछले साल ही कटिंग से ग्रो किया था। अब आप देख सकते हैं मेरी कटिंग्स अच्छे से ग्रो होनी स्टार्ट हो गई हैं, काफ़ी तेज़ी से अब इनकी ग्रोथ हो रही है। इन पे आप बर्ड्स देख रहे हैं, बर्ड्स भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो होनी चालू हो गई हैं, और जल्दी से इन पे फ्लावर्स भी आने लगेंगे। कुछ तो फ्लावर्स दो तीन अभी ब्लूम भी होने वाले हैं। बारिश की वजह से फ्लावर्स आपको थोड़े डल या बंद दिख रहे होंगे, वरना बारिश के पहले ये काफ़ी ब्राइट थे। बारिश की वजह से फ्लावर्स भारी हो गए इसलिए वो थोड़े आपको बंद दिख रहे होंगे। देख सकते हैं मेरी हर कटिंग पे आपको काफ़ी सारी बर्ड्स दिख रही होंगी, और लीव्स भी आनी शुरू हो गई हैं। धीरे धीरे सारी कटिंग में फ्लावरिंग होना शुरू होने वाली है। देख सकते हैं सब में बर्ड्स काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही हैं, और लीव्स भी काफ़ी अच्छी तरीके से धीरे धीरे फॉर्म होने लगी हैं। आपको कटिंग्स देख के पता चल रहा होगा कि कटिंग्स काफ़ी हेल्दी स्टेज में हैं, काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रो कर रही हैं। और ये जो कटिंग है ये मैंने शुरुआत में आपको दिखाई थी, इस कटिंग का मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये ग्रो होगी या नहीं, लेकिन सबसे पहले इसमें ही न्यू ब्रांच आनी शुरू हुई है। ये अब लास्ट 5 अप्रैल की क्लिप है। आज 5 अप्रैल को हमारे कटिंग्स को लगाए हुए पूरे 2 महीने कंप्लीट हो गए।